एनसीपी पार्टी में फूट के बाद अजीत पवार गुट ने पार्टी सिंबल और पार्टी पर दावा किया है। 30 जून को अजीत पवार गुट की ओर से भारत चुनाव आयोग को भी एनसीपी अध्यक्ष बदले जाने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी के दोनों गुटों को नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर भेजे गए नोटिस का 3 हफ्ते के अंदर जवाब दिया जाए। दरअसल अजीत पवार गुट ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को समर्थन दिया था। इसके बाद भारत चुनाव आयोग ने एनसीपी के दोनों गुटों को नोटिस भेजा। आयोग ने संबंधित नोटिस का जवाब 17 अगस्त तक देने को कहा था, लेकिन शरद पवार गुट ने संबंधित नोटिस का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग से 4 सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसकी अवधि 3 हफ्ते बढ़ा दी है। इसलिए अब उन्हें 8 सितंबर को दोनों समूहों को संबंधित नोटिस का जवाब देना होगा। इससे पहले अजीत पवार गुट की ओर से चुनाव आयोग को कुछ दस्तावेज सौंपे गए हैं। इसमें अजीत पवार गुट ने एनसीपी के नाम और पार्टी चिन्ह पर दावा किया है।